अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों खीमा मटर की रेसिपी, जो कि बहुत इजी बनती है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए इसके लिए। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है खीमा, ये आधा किलो मटन का खीमा है दोस्तों, और ये खीमा मैंने घर पर ही बनाया है। और साथ ही यहाँ पर लिए है प्याज चॉप्ड किया हुआ, चॉप्ड टमाटर, नमक, धनिया पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, मटर, हरी मिर्च और साबुत खड़े गरम मसाले चाहिए हमें। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन में तेल गरम करने के लिए रख दिया है दोस्तों। अब पैन गरम करने रख दिया है और इसमें अब हम तेल डालेंगे, और तेल गरम होने के बाद इसमें अब हम डालेंगे गरम मसाले, साबुत गरम मसाले, जिसमें कि यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 से 4 लौंग, 5 से 6 काली मिर्चें, 2 से 3 स्टिक दालचीनी की और 2 से 3 छोटे तेज पत्ते। इनको डालकर थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें अब हम डाल देंगे प्याज। प्याज यहाँ पर मैंने लिया है दोस्तों 2 मीडियम साइज़ के, जिनको मैंने चॉप कर लिया है, और इनको इस तरह से फ्राई करते हुए हमने ब्राउन फ्राई करना है, और ब्राउन होने तक इसी तरह से फ्राई करना है इसको। और ये देखिए दोस्तों, लाइट ब्राउन हो चुकी है हमारी प्याज। इसमें अब हम डालते हैं मसाले। मसालों में यहाँ पर मैं सबसे पहले ले रही हूँ नमक। नमक यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1.5 छोटा चम्मच, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। और लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ 3 छोटे चम्मच, लाल मिर्च पाउडर भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। और धनिया पाउडर लेंगे हम, यहाँ पर डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, और गरम मसाला पाउडर 1/4 चम्मच डालेंगे। और मसालों को डालकर थोड़ा सा मिक्स करें। और दोस्तों इसमें अब हम डालेंगे 1/2 बड़े चम्मच पानी, ताकि मसाले जले ना। तो पानी डाल दें थोड़ा सा इसमें, तकरीबन 2 बड़े चम्मच, और पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें और मसालों को भूनें, इससे मसाले जलते नहीं हैं। और मसालों को थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें अब हम ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ पर रफली चॉप करना है, फाइन चॉप नहीं करना है आपने, बस ऐसे ही चॉप कर लें। और टमाटर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसी तरह से हमने इस चम्मच की हेल्प से दबाते हुए इसको सॉफ्ट होने तक और तेल साइड्स पर आने तक पकाना है। ये देखिए तेल साइड्स पर आ चुका है और ये काफ़ी अच्छा बन चुका है मसाला मिक्सचर। और इसमें अब हम ऐड कर देंगे खीमा। ये खीमा दोस्तों मैंने घर पर ही बनाया है, और खीमा डालकर अच्छे से भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर। दोस्तों खीमे को अच्छी तरह से भूनना होता है, इससे इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए जितने टाइम बताया जाए आपने उसी चीज़ को उतना ही भूनना है। तो तकरीबन 5 से 8 मिनट इसको हम इसी तरह से भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर। दोस्तों ये खीमा मटर एक मुगलई डिश है, और मुगलई क्यूज़िन का काफ़ी मेन ये रेसिपी है। वैसे तो दोस्तों मुगलई क्यूज़िन में ज़्यादातर नॉनवेज ही डिशेस होती हैं, लेकिन ये रेसिपी ऐसी है जिसमें वेज और नॉनवेज दोनों का इस्तेमाल किया गया है, तो आप दोनों का लुत्फ़ उठा सकते हैं और दोनों को टेस्ट कर सकते हैं। और अगर जो लोग वेजिटेरियन हैं वो इसको सोया खीमे के साथ बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा खीमा भुन चुका है अच्छी तरह से, इसको मैंने भून लिया है। इसमें अब हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 छोटे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भी अच्छे से इसको मिक्स कर लें। दोस्तों हमने अदरक लहसुन का पेस्ट पहले इसलिए नहीं मिक्स ऐड किया, क्योंकि खीमे को भूनते टाइम वो पैन में नीचे लग कर जल सकता था, इसलिए अब डाल रहे हैं। और इसमें अब हम ऐड करेंगे मटर, तकरीबन 1 कप मटर ले रही हूँ, और मटर ये दोस्तों फ्रेश मटर है, ये बॉयल मटर नहीं है। आप चाहे तो बॉयल करके भी ले सकते हैं मटर को, लेकिन मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, ये फ्रेश मटर है। तो मटर डालकर मिक्स करने के बाद इसमें तकरीबन 1/2 कप पानी डाल देंगे, और पानी डालकर थोड़ा सा मिक्स कर दें, और इसको लेड लगाकर मीडियम फ्लेम पर 5 से 8 मिनट मटर और खीमा दोनों गलने तक इसको हम कुक होने देंगे। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 5 से 8 मिनट हो चुके हैं, और खीमे को और मटर को दोनों को चेक कर लिया है मैंने, कुक हो चुके हैं। अगर दोस्तों आपकी फ़्रेश मटर है तो बहुत जल्दी गल जाएगी, तो ज़्यादा आपको मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। इसको स्पाइसी बनाने के लिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें 1 से 2 बारीक कटी हुई, और हरी मिर्चें डालकर थोड़ा सा मिक्स कर दें। और साथ ही इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। 1 से 2 छोटे चम्मच हरा धनिया डाल दें बारीक कटा हुआ, और हरा धनिया डालकर भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और मिक्स करने के बाद इसको हम लिड लगाकर दम पर छोड़ देंगे, गैस बंद करने के बाद थोड़ी सी देर दम पर रख देंगे।
और दोस्तों यहाँ पर मैंने दम पर रखने के बाद, इसको दम से हटाने के बाद एक बार मिक्स कर लिए देख लिया है और अच्छे से बन चुका है। तो चलिए इसको हम सर्व करते हैं। तो सर्विंग के लिए यहाँ पर मैंने एक सर्विंग प्लेटर लिया हुआ है, इसमें अब हम अपना खीमा मटर ऐड कर लेंगे, निकाल लेंगे इसको हम, और इसको हम इस तरह से प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको हम गार्निश करेंगे कटी हुई हरी मिर्चों के साथ। ऊपर से इसी तरह से थोड़ी सी डाल दें आप, इसको गार्निश करने से काफ़ी अच्छी लगती है। और दोस्तों ये डिश जितनी कलरफुल है देखने में, खाने में उतनी टेस्टी है। और इसको थोड़ा सा हरा धनिया से भी हम गार्निश कर देते हैं, ऊपर से इस तरह से थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें कटा हुआ, और साथ ही एक से दो चुटकी इसमें हम इसके ऊपर से डाल देंगे गार्निशिंग के लिए गरम मसाला पाउडर। तो लीजिए दोस्तों, बनकर तैयार है हमारा खीमा मटर। उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इस मुगलई डिश का लुत्फ उठाइए अपने घर पर और सबको खिलाइए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।